एक बड़ी खबर आ रही है, साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नु गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने साधु सिंह धर्मसोत नु गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी जंगलात घोटाले दे विच हुई है। ईडी ने 3 नवंबर 2023 नु सर्च ऑपरेशन किया सी साधु सिंह धर्मसोत दे ऑपरेशन चलाया गया सी, छापेमारी हुई सी। जंगलात महकमे की जिम्मेवारी कांग्रेस सरकार दे विच साधु सिंह धर्मसोत दे कोल रही है और हुण साधु सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार कर लिया गया। शंकर आनंद साढ़े सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। शंकर, पूरी डिटेल चाहवांगे, कदों इह गिरफ्तारी होई है और की ईडी ने इस बाबत जानकारी कोई सांझी कीती है? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब के पूर्व मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में जो जानकारी हमारे सूत्र ने साझा किया है, उनका कहना है कि ये कई करोड़ों का ये फर्जीवाड़ा का मामला था, जो फॉरेस्ट विभाग से जुड़ा हुआ स्कैम का मामला है। और इस मामले में जिस तरह से साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह समेत कई अन्य आरोपियों की भूमिका निकल के सामने आई थी, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ाया जा रहा था। और पिछले साल ही 30 नवंबर को एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और उन तमाम सबूतों और दर्ज बयान के आधार पर साधु सिंह धर्मसोत जो पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर जानकारी भी जांच एजेंसी के द्वारा साझा किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर इनके खिलाफ क्या क्या आरोप थे। हालांकि जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि 30 नवंबर को जो सर्च ऑपरेशन हुआ था तो वो कई लोकेशन पर हुआ था, तकरीबन 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और जिस तरह से आरोप की बात करें तो वन विभाग और उससे जुड़े जो ट्रांसफर पोस्टिंग और इसके साथ ही खैर लकड़ी जो है, खैर लकड़ी को बेचने के लिए जिस तरह से बकायदा टी गार्डन और माइनिंग से जुड़ा हुआ एक करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये स्कैम था। और इस मामले में पिछले काफी समय से तफ्तीश की जा रही थी और उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। निश्चित तौर पर इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पंजाब में जो एक कहा जा सकता है कि राजनीतिक पारा जो है वो भी अब गरमा सकता है। क्योंकि गिरफ्तारी हुई कितों है ये पता चले? देखिए, गिरफ्तारी किस वक्त में हुई है इस मामले की जानकारी तो जांच एजेंसी के अधिकारी अभी तक साझा नहीं किए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इस मामले की जानकारी मिली है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में ये न्यूज 18 के लिए सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि इस वक्त में जिस तरह से हमारे सूत्र ने कंफर्म किया है कि हालांकि इनकी जो गिरफ्तारी हुई है तकरीबन 1 से 2 घंटा पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस मामले की जो तमाम जो इनपुट्स हैं थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि जांच एजेंसी के द्वारा साझा किया जाएगा और बताया जाएगा कि जिस तरह से करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का एक आरोप जो लगा था वो मामला किस तरह का था, किस तरह से और जो गिरफ्तारी की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि का, लेकिन जिस तरह से पुराने अगर मामले की अगर बात करें तो कई लोग इस मामले में आरोपी थे। जिस तरह से बात करें साधु सिंह धर्मसोत, इसके साथ ही संगत सिंह और इसके साथ साथ इस मामले में जो भतीजे हैं दलजीत सिंह, पंजाब के प्रमुख कंजर्वेटिव प्रवीण कुमार, डीएफओ यानी वन विभाग से जुड़ा अधिकारी गुर अमनप्रीत सिंह, विशाल चौहान, इन तमाम लोगों का नाम भी इस मामले में सामने आया था, जिस पर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला एक आरोप लगा था। और इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी और उसी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है।